हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप 1500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम पार्ट 9 करने वाले हैं और इसी के साथ 900 क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स के कंप्लीट करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं उनको। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लग गया है पार्ट 8 के बाद 9 आने में, पर कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है व्हाट इज़ INS सिंधु ध्वज रिसेंटली डीकमिशन्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, सबमरीन या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर। तो INS सिंधु ध्वज क्या है? एक सबमरीन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी बिकेम फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल किसे बनाया गया है? वाराणसी को बनाया गया है। SCO मैंने फुल फॉर्म बता ही दिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट यूनिक ब्लड ग्रुप? तो इंडिया के पहले यूनिक ब्लड ग्रुप ये पाया गया रिसेंटली, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है EMM-। इंडियाज़ फर्स्ट कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स केस हैज़ बिन रिपोर्टेड इन विच स्टेट? पहला है भारत का कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स केस, ये किस स्टेट में रिपोर्ट किया गया? तो ये स्टेट है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन भूमिपुत्र इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? मिशन भूमिपुत्र कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? असम का इनिशिएटिव है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेष्ठ स्कीम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? वीरेंद्र कुमार या फिर राजनाथ सिंह? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा ये लॉन्च की गई है और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम आती है। नाम क्या है स्कीम का? श्रेष्ठ स्कीम। टारगेटेड एरियाज में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए और रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम की शुरुआत की गई है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ब्रेकफास्ट स्कीम कहाँ शुरू की गई? तमिलनाडु में शुरू की गई है, तमिलनाडु के CM के द्वारा। विच कंट्री विल होस्ट 2023 ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री 2023 में ये होस्ट करने वाली है? तो ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो CBG प्लांट एशिया का लार्जेस्ट, ये कहाँ पर? पंजाब में इसकी शुरुआत की गई, इसका अनावरण किया गया। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट ये कहाँ पर है? इंदौर MP में है, इसे भी याद रखिएगा। हु हैज़ लॉन्च्ड PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम? तो ये जो स्कीम है, हिंदी में इसे क्या बोला जा रहा है? PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना, या फिर इसका दूसरा नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ये स्कीम PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। विच सिटी वन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का ये मिला हैदराबाद को। अब्दुल लतीफ राशिद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये इराक के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं, नाम क्या है इनका? अब्दुल लतीफ राशिद। विच कंट्री विल बिल्ड मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनरी? मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनरी इंडिया के द्वारा बनाई जाएगी। विच कंट्री ऑपरेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन? वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन ये कहाँ पर ऑपरेट की जाने लगी है? ये स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत हुई है। रिसेंटली सेंटर द हैज, इधर कहाँ से आ गया, रिसेंटली सेंटर हैज़ सेटअप अ कमेटी फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी? तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? चेयरमैन है इसके डॉक्टर ए राधाकृष्णन, और ये हेड करेंगे इस कमेटी को जो बनाई गई है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। हु इज़ द विनर ऑफ एजुथाचन अवार्ड 2022? इस अवार्ड के विनर कौन है? सेथु हैं। ये जो अवार्ड है, हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, गिवन बाय केरला साहित्य एकेडमी, ठीक है। 2022 में किसे मिला? सेथु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे, उससे पहले द्रौपदी मुर्मू के बारे में देखें। तो ये हमारी 15th प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट ट्राइबल कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं? तो ये याद रखिएगा, संथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो फर्स्ट ट्राइबल एंड सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल। इनका जन्म हुआ था 1958 में और ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट हैं जिनका आज़ादी के बाद जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? मयूरभंज ओडिशा में।
प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें देखें बेसिक जो संविधान में मेंशन की गई हैं। तो राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है, 5 साल होता है। मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान है। 53 में प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को मेंशन किया गया है। 54 जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। 56 टर्म की बात करता है, टर्म हमने देखा था ना 5 साल है, तो ये कहाँ पर है, आर्टिकल 56 में है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 60 जो कि ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, इसके बारे में है। ओथ कौन दिलाता है, CJI और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क, तो दुनिया का लार्जेस्ट सफारी पार्क हरियाणा के द्वारा बनाया जाएगा। विच कंट्रीज वेपन्स मेकर साब टू बिल्ड कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर इन इंडिया, तो ये कौन से कंट्री की वेपन मेकर कंपनी है, तो आंसर होगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो इसकी पहली चेयरमैन थी जयंती पटनायक। और अभी हम क्यों इनकी बात करें, क्योंकि रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई, रिसेंटली शी पास्ड अवे। इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, मुंबई में हुई। व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये होता है 15 अक्टूबर को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हिमकैट स्कीम टू हेल्प फार्मर्स, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है हिमकैट की, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। याद रखना आसान है, दोनों में हिम आ रहा है स्टार्टिंग में। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, BCCI के नए प्रेसिडेंट बने हैं रॉजर बिनी, और सेक्रेटरी कौन है, जय शाह हैं, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था उस समय पर। वेन इज़ वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो वर्ल्ड पोलियो डे ये होता है 24 अक्टूबर को, और पोलियो क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। वर्ल्ड विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी बन गई है, भारत बन गया है, UK को सरपास करके इंडिया बन गई है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अगर देखें टॉप 4 देख लें तो USA, चाइना, जापान, जर्मनी है इसके बाद 4th नंबर पर, और फिर 5th हो गई है इंडिया जिसकी GDP है $3.5 trillion की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल हैव अवार्डेड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022, तो ये जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड, इससे 2022 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया, और रमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज। इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड मेघदूत मशीन्स एट विच स्टेशन, तो ये मुंबई स्टेशन पर इस मशीन को इंस्टॉल किया गया है। मेघदूत मशीन है, ये क्या करती है, कैन कन्वर्ट वाटर वेपर इंटू पोर्टेबल वाटर। वेयर हैज़ एक्सरसाइज SAREX 2022 हैज़ बिन कंडक्टेड, तो ये जो एक्सरसाइज है SAREX 2022 ये हुई थी चेन्नई में, और किसकी एक्सरसाइज है, इंडियन कोस्ट गार्ड की, ICG की एक एक्सरसाइज है। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो ये लॉन्च किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। वेयर आर निस्तार एंड निपुण विच वर लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी, निस्तार और निपुण ये क्या हैं, तो ये दोनों डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं जो इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस हैज़ मर्ज्ड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, तो ये जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ मर्ज किया गया है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को। विच इज़ इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 एज पर द कंतार ब्रांड्स रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड द पर्वत प्रहर एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई, कहाँ पर, लद्दाख में। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द जेनेसिस इनिशिएटिव, जेनेसिस इनिशिएटिव MeitY के द्वारा शुरू किया गया है। जेनेसिस की फुल फॉर्म देखें, जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और UT पुलिस इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी करने वाली कौन सी पुलिस है, कौन से स्टेट की, दिल्ली पुलिस है ये। हु हैज़ स्टॉप्ड इन हुरून इंडिया सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022, तो इसे टॉप किया है निखिल कामत ने। गवर्नमेंट हैज अमेंडेड विच पार्ट ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टू अलाउ द ट्राई कलर टू बी होस्टेड डे एंड नाइट, तो ये जो है ना फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इसका था पार्ट 2 जिसे अमेंड करके
ये प्रोविज़न किया गया कि ट्राई कलर जो हमारा है उसे दिन और रात दोनों टाइम उसको होस्ट किया जा सकता है. और नाउ पब्लिक कैन होस्ट द ट्राई कलर बोथ डे एंड नाइट. पहले ये अलाउ नहीं था, सिर्फ दिन में ही जो हमारा ट्राई कलर है उसको फहराया जा सकता था, लेकिन पार्ट टू में अमेंड करके ये प्रोविज़न किया गया. व्हेन इज़ कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व, तो ये होता है 26 जुलाई को. विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम, तो ये जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम. हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, तो ये है नीरज चोपड़ा जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता इसमें. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड देवघर एयरपोर्ट इन विच स्टेट, तो ये जो है झारखंड में इसकी इनॉग्रेशन किया गया देवघर एयरपोर्ट का. हु बिकेम द फर्स्ट कैप्टन इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री टू विन 13 कंसेक्यूटिव T20, इनका नाम है रोहित शर्मा. विच सिटी विल होस्ट इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023, तो नई दिल्ली में होस्ट किया जाएगा इंडिया का बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2023 में. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके प्रेजिडेंट बनाए गए हैं टी राजा कुमार, FATF के प्रेजिडेंट. FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है. इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी सिस्टम लॉन्च्ड इन विच सिटी, तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में एट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एनम इजुतम स्कीम, ये जो स्कीम है तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च की गई. व्हाट विल बी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर पैडी फॉर द ईयर 2022-23, तो ये जो है कितना 2040 पर क्विंटल रहने वाला है MSP. ब्लू ड्यूक डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट, तो सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई के रूप में डिक्लेयर किया गया है ब्लू ड्यूक को. व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून को, और इसकी थीम 2022 में थी सेफर फूड बेटर हेल्थ. विच कंट्री विल होस्ट ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024, तो यह है USA और वेस्ट इंडीज़, इन दोनों के द्वारा ही होस्ट किया जाएगा ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में. एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री, तो मंगोलिया में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया. हु हैज़ लॉन्च्ड जन समर्थ प्लेटफॉर्म, तो ये जो प्लेटफॉर्म है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का. हु हैज़ वन मेन्स सिंगल टाइटल एट 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स, तो इसमें जो है विक्टर एक्सेलसन के द्वारा ये टाइटल जीता गया है. वट इज़ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ड्यूरिंग 2015-19 पीरियड अकॉर्डिंग टू SRS, दैट इज सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 69.7 ईयर्स है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. कोलमार्का एंड मुक्ताई भवानी आर द न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ विच स्टेट, तो ये दोनों महाराष्ट्र में नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है. हु बिकेम फर्स्ट इंडियन रिकोगनाइज एज अ ग्लोबल SDG पायनियर बाय UNGC, तो इनका नाम है रामकृष्ण मुक्कावेली. विच स्टेट वन 12th सीनियर मेन्स नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप टाइटल, तो हरियाणा के द्वारा ये टाइटल जीता गया है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, इनका नाम है अजय कुमार सूद. इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन विच स्टेट, तो ये स्टेट है असम जहाँ पर इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया है. विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो रशिया के द्वारा ये जो है सरमत एक बैलिस्टिक मिसाइल है इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया. विच इंडियन प्लेयर्स हैव बीन नेम्ड अमंग द 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इन विस्डन अल्मनेक, तो ये हैं रोहित शर्मा और बुमराह. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नीति आयोग वाइस चेयरमैन, तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम क्या है, सुमन बेरी है. विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस मुंबई में की जाएगी, इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस. व्हेन इज सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को. अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है, परमेश्वरन अय्यर हैं. हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 बाय इंडो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो ये हैं विवेक लाल. Who has been named as the new Global Peace Ambassador 2022? याद रखिएगा बबीता सिंह है नई ग्लोबल पीस एम्बेसडर.
India's first Amrit Sarovar prepared by which among the following state? Amrit Sarovar Uttar Pradesh के द्वारा ये prepare किया गया. Who won title of 2022 Serbian Open single? तो Victor Axelsen होंगे इसके भी. Official partner of Tata IPL 2022 ये कौन है? रुपे है. NMDC that is National Mineral Development Corporation Limited signed MOU with which institute for drone based mineral exploration? तो IIT खड़गपुर के साथ ये MOU साइन किया गया है. NMDC India's largest producers of iron ore है जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में. Which institute has set up center to study human brain? तो IIT मद्रास के द्वारा ये सेटअप किया गया है सेंटर टू स्टडी ह्यूमन ब्रेन. सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये जो प्रोजेक्ट है केरला का है, इसका नाम क्या है? सिल्वर लाइन. ये सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, ठीक है. साइक्लोन असानी हैज़ बीन नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? असानी नाम जो है श्रीलंका के द्वारा दिया गया. व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे. और 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट. डिस्कवर पहले ही कर लिया था और बेसिकली इस दिन इन्होंने क्या किया था, इस रमन इफेक्ट को पब्लिक किया था. हाउ मेनी वुमेन विल बी कन्फर्ड विद द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021? तो 75 महिलाओं को ये अवार्ड दिया गया. 14th इंडिया जापान एनुअल समिट हेल्ड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली में हुई 14th इंडिया जापान एनुअल समिट. व्हेन विल द इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 15 मार्च को ये दिन मनाने के लिए डिसाइड किया गया है. वेयर डिड राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स? तो बेंगलुरु में ये इनॉग्रेट किया गया है. विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई ईवी पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग एंड परचेजिंग ई ऑटोज? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया, पोर्टल बनाया गया माई ईवी. विच कंट्री होस्टेड 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड? तो इंडिया ने होस्ट किया 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड. और कहाँ पर? इंडिया में, चेन्नई में. विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री अलाइंग ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस? तो ये जो है इसराइल के द्वारा किया गया है. विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री अलाइंग ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है क्योंकि क्वेश्चन पहले वाला ही आ गया और ऑप्शंस दूसरे हैं. इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. विच कंपनी बिकेम 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया? तो इस कंपनी का नाम है डाबर. इंडियन नेवी रिसीव्ड 12th P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? तो ये जो एयरक्राफ्ट है USA से इंडियन नेवी ने लिए हैं, जिसको मैन्युफैक्चर किया है अमेरिकन कंपनी बोइंग ने. इंडियन रेलवेज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश. और मध्य प्रदेश में भी बिना अगर थोड़ा डिटेल में पूछा जाए तो याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर हैज़ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बीन ओपन्ड? तो ये म्यूजियम जो है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में ओपन किया गया. मीराबाई चानू विंस विच मेडल एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने. विच टीम वन प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 ट्रॉफी? तो ये ट्रॉफी जीती है दबंग दिल्ली केसी ने. ऑन हुज बर्थडे जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड? तो बिरसा मुंडा के बर्थडे पर यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है. किस दिन? 14th November. इंडियन स्क्वैश टीम वन विच मेडल एट एशियन स्क्वैश टीम चैम्पियनशिप? तो गोल्ड मेडल जीता है इंडियन स्क्वैश टीम ने इसमें. निवेशक दीदी प्रोग्राम टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय? किसके द्वारा ये निवेशक दीदी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लखपति दीदी योजना? ये जो योजना है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है. और अभी लास्ट में है क्वेश्चन आप लोगों के लिए. विच इंडियन सिटी बिकेम फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO? ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, पुणे या फिर अहमदाबाद. इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.